हेलो गाइस, नमस्ते, आदाम, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, द इंडियन पॉजिटिव रिएक्शंस। मेरा नाम है अभिषेक और मैं वंशिका। सो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप अपने घरों में बढ़िया होंगे और मौज कर रहे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा आपको इंस्पिरेशन दे सकती है। बेस्ड ऑन पैरा कमांडिंग और पैरा कमांडो की जो ट्रेनिंग है उसकी, यस, जो पैरा कमांडो की ट्रेनिंग है उसके ऊपर हम वीडियो लेके आए हैं। जितना तो मुझे पता है, बहुत ज़्यादा हार्ड और काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है इनकी ट्रेनिंग, और काफ़ी मतलब डिफिकल्ट नहीं होती है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। मतलब अगर 100 लोगों में से एक आदमी कर सकता है, वो इतनी हार्ड होती मुझे है। मुझे लगा 20 लोगों में से एक आदमी कर सकता है। नहीं, 100 अगर वो तो अगर समझ ले 20 आर्मी वाले हैं तो आर्मी वालों में से भी एक बनता है, इतना वो डिफिकल्ट हाँ, होती वो है। तो होता है। मतलब अगर नॉर्मल लोग लेगी लोग तो ट्रेनिंग के बीच में भी छोड़ के भाग जाते हैं। हाँ, होता है वो। देख, कुछ लोग देख 100 अगर तो ऐसे पब्लिक लेगी, पब्लिक तो पब्लिक 100 लोगों में से एक आदमी बनता है। बट अगर तो ऐसे बोले आर्मी के अगर 20 लोग हैं तो आर्मी वालों में से भी वो एक बनता है 20 में से, तो ऐसे कह सकती है। तो इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट उसकी ट्रेनिंग होती है। तो गाइस, देखते हैं कि कैसी होती है वीडियो। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। 1 2 3 एंड स्टार्ट। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। एशियन पैरा कमांडो ट्रेनिंग। दोस्तों, किसी भी देश की ताकत उस देश में मौजूद सेना के हिसाब से तय की जाती है, क्योंकि अगर देश में मौजूद सैनिक ताकतवर है तो वो एक साथ दुश्मन सेना के कई सारे सैनिकों को ढेर करने में एक पल भी नहीं लगाएंगे। और इसी वजह से हर देश ये चाहता है कि उसके सैनिक दुनिया में सबसे बेहतर बने। इसके लिए उन्हें कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग करवाई जाती है। वो तो होता है। और हमारी आज की इस वीडियो में मैं, यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति, ऐसी कड़ी ट्रेनिंग के बारे में बताने वाला हूँ जिनके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इंडिया की पता तो सबसे बिना देर के चलिए शुरू करवाई जाती है, सबसे खतरनाक ट्रेनिंग होती है। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। 36 आवर्स स्ट्रेस ट्रेनिंग कैंप पैरा कमांडो। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि पैरा कमांडो का चयन किसी भी स्पेशल तरीके से नहीं चल जाता, बल्कि इसका चयन सेना में मौजूद विभिन्न रेजिमेंट्स में से किया जाता है। हाँ, जिसके बाद इन्हें आगे की ट्रेनिंग के लिए पैरा कमांडो ट्रेनिंग कैंप भेज दिया जाता है, जहां इन जवानों को 3 से 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग के बाद 36 घंटों की ट्रेनिंग करनी होती है। यकीन मानिए, ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा भयानक होती है, लेकिन जो जवान 36 घंटे की ट्रेनिंग को पूरा कर लेते हैं उन्हें ही अपने सर पर पैरा कमांडो की टोपी और शोल्डर पर बैच लगाने को मिलता है। दोस्तों, 36 घंटे की स्ट्रेस ट्रेनिंग की शुरुआत रात के समय में होती है, जहां जब जवान नींद के आगोश में बस सोने जाने वाला ही होता है तभी उन्हें लाइन में खड़ा होने का आदेश मिलता है, जबकि इन्हें पिछले एक हफ्ते से 1 या 2 घंटे की नींद ही नसीब हुई होती है। एक हफ्ते से ऐसे में इनके लिए इतने थके होने के बावजूद इस तरह की ट्रेनिंग करना वाकई में जवानों को बार बार रूटीन करना होता है, जब तक कोई एक हार तो ना मान ले। और फिर इन जवानों को 30 किलो के बैटल लोड के साथ अगले 2 घंटे तक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ाई करनी होती है। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये रास्ता 10 हाँ, किलोमीटर का होता है, जिसे 2 घंटे में पूरा करना होता है। ये सिलसिला यही नहीं रुकता, क्योंकि इसमें अपने साथी कमांडो को अपने कंधे पर बैठा कर चलना होता है, जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर कहीं किसी परिस्थिति में साथी को चोट लग जाए तो कमांडो थक
होती चली जाती है, जिसमें इन्हें गटर के पानी की तरह दिखने वाले एक जूस को दिया जाता है जिसके अंदर डिहाइड्रेटेड सॉल्यूशन होता है। और जब ये सभी चीजें पूरी हो जाती है तो इनके ऑब्जर्वेशन स्किल्स यानी कि चीजों को ध्यान से समझने की ताकत की जांच होती है। और ये काम बहुत ही ज्यादा दबाव से भरा हुआ होता है, जहां आपको सोचने के लिए समय तो मिलता है लेकिन उसमें आपको फोकस करने के लिए शांति नहीं मिलती। हालांकि इस टेस्ट में जवानों को उन चीजों के बारे में लिखना। गाइज यहाँ पे वीडियो का एंड होता है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, काफ़ी चीज़ें मुझे पता ही नहीं थी। गाइज मैं पूरी वीडियो यहाँ पे प्ले नहीं कर सकता, काफ़ी बड़ी वीडियो जाती। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से पूरी वीडियो देख सकते हैं। सो गाइज अगर बात करें ट्रेनिंग की कमांडो की, पैरा SF पैरा स्पेशल फोर्स, तो गाइज बहुत ज़्यादा हार्ड और डिफ़िकल्ट हमने कहा था जैसे इंट्रोडक्शन में, वो देख ले किस नेक्स्ट लेवल की होती है। पहले तो उनको रनिंग कर एक जब मैं छोटी थी ना, मैं टीवी पे यही सब कमांडो ट्रेनिंग ये सब देखती रहती थी कि वो लोग कैसे, मतलब पूरी ट्रेनिंग उनकी कैसी होती, पढ़ाई कैसे करते हैं ये सब। मतलब टीवी में आता था नेशनल जियोग्राफिक, उसमें काफ़ी चैनल्स में आता है, बट मुझे इतना पता था उनका कि वो रनिंग करते हैं उसको बंदे को उठा के फिर उसको टायर के बाद, तो मुझे ये नहीं पता था पानी में फेंक देते हैं। तुम देखा कैसे हाथ पैर बांध के, यार मेरा तो मतलब मुझे ऐसे को पानी में फेंक दे तो कितना अजीब सा लगता है, पानी हाथ पैर बांध के फिर फेंक देते हैं। अरे ट्रेनिंग करते साथ साथ ना ये सब कैजुअल हो जाता है उनके लिए। हाँ वो तो है, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा वो डिफिकल्ट होती है। कि नॉर्मल अगर बंदे को मैं बोलूँ उसको पानी में फेंक दूँ ऐसे हाथ पैर बांध के, वो तो डर के घबरा जाएगा। उन्होंने अपनी चॉइस लेके तो वो कमांडो बनने के लिए तैयार हुए हैं। हाँ, तो हम थोड़ी ना उनको जबरदस्ती लेके अंदर घुसा रहे हैं, वो खुद बनना चाहते हैं कि हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इसलिए हम। वही जो मोटिवेशन होती है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये मोटिवेशन तो चाहिए। इस मोटिवेशन के साथ ही बंदा वो पैरा कमांडो बन सकता है, नहीं तो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट और गाइस नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग होती है पैरा कमांडो की, इतना आसान नहीं होता। बस मैंने कैसे कहा था स्टार्टिंग में कि आर्मी से इनका सिलेक्शन होता है, तो आर्मी के जो अगर 20 लोग फोर्जी आए हैं तो उसमें से एक बनता है, इतनी हार्ड होती है। सोच रही है कितना डिफिकल्ट होता है वो, इजी नहीं होता है। यस सो गाइस तू बताना कोई रिव्यू कैसे लगी थी वीडियो। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, आई मीन काफ़ी इंस्पायरिंग थी। अगर ऐसी मेहनत मैं अपनी असली ज़िंदगी में करूँ तो मैं काफ़ी आगे निकलूँगी। हाँ बिल्कुल, अगर ऐसी मोटिवेशन और ऐसी एनर्जी के साथ हम भी अपना काम को करें तो हम भी काफ़ी कुछ सक्सेस। ऐसी ट्रेनिंग मुझे मिली ना तो मैं पढ़ाई में 100 में से 100 लाऊं। हाँ ये तो है, पर ये लड़ाई करने के लिए ट्रेनिंग है। लेकिन फिर भी तूने देखा नहीं बीच में उन्होंने, मतलब कि उनकी स्टडी भी हो रही थी और बीच में उनको फोकस बिगाड़ने के लिए बहुत सारी चीजें ट्राई कर रहे थे, स्पीकर से बोल रहे थे, लेकिन वो स्टिल पढ़ाई कर रहे थे। कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी बढ़ सकता है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल वो इंक्रीज कर रहे थे। अगर वो चीज मुझे मिल जाए तो मैं काफी आगे निकलूं, मैं सपोर्ट लूं। सो गाइस आप बताएं आपको हमारी वीडियो रिएक्शन कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं। फिर से मिलेंगे ऐसी अमेजिंग वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।